नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वेदर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है जो सिरसा वाले बाबा राम रहीम के बारे में आपको पता है कि उनकी जो अनुयायी हैं लगभग 1.5 लाख के करीब अनुयायी मतलब यह प्रदर्शन पे पहुंचे हुए हैं, रोष जता रहे हैं। लेकिन वेवर्क वर्ल्ड इसका मतलब जो ये है इन अनुयायियों का विरोध करता है। इसलिए विरोध करता है कि सिर्फ आप बाकी आपका विरोध सही हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप एक रिपोर्टर के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, साथ में उसके साथ जो कैमरामैन है उनको भी आपने पत्थरों और तेज हथियारों से आपने ये मारा। ये आप टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अभी आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, एलईडी पे देख रहे हैं, जो भी जैसे भी है आप ये देखिए कि किस तरीके से आपने इन जो आपकी खबर को, आपके संदेश को, आपके दुख तकलीफ को दुनिया के सामने रखते हैं, आप आपने उन्हीं को नहीं छोड़ा है, तो सबसे बड़ी निंदा वाली बात है। क्योंकि एक धर्म गुरु जो भी होते हैं कि कोई भी किसी का भी धर्म, लेकिन वो कभी भी हिंसा नहीं सिखाते हैं। हमें तो इतना पता है कि उसमें हिंसा कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, लेकिन आप हथियार चला रहे हैं। ऐसे मतलब मीडिया वालों की जो गाड़ियां हैं वो आपने तोड़ दी, फोड़ दी, आग लगा दी, जगह जगह पे आप पथराव कर रहे हैं, और मतलब तीन की मतलब वहां पे क्या क्या हो गया, तो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो आपको बस यही चीज वेबक वर्ल्ड आपका विरोध करता है यहाँ पे कि आपने सबसे बड़ी ये चीज की, क्या आपके जो गुरु हैं उन्होंने आपसे सवेरे अपील भी की थी कि आप अपने अपने घर को वापस चले जाइए, और जो हमारी सरकार है उसके उनकी मतलब जो है उनको आप मानिए, उनका पालन कीजिए उनकी आज्ञा का, तो आपने उनका भी विरोध किया। तो क्या इसमें तो सीधे आपके गुरु के ऊपर ये बात आती है कि क्या कभी किसी का गुरु ये हिंसा करना सिखाता है? कौन से आपके पाठ में, कौन से प्रवचन में ये वाली चीजें सिखाई गई हैं? आज दिन तक ये समझ नहीं आया। आप निहत्थे एक रिपोर्टर जो होता है उसके हाथ में सिर्फ एक माइक होता है और उसके सहयोगी पास कैमरा होता है, आप उन निहत्थे लोगों के ऊपर आप पत्थरों से और तेज हथियारों से आप वार कर रहे हैं, ये कहाँ का मतलब क्या बात है? इस चीज को तो मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। तो सरासर आपने अपनी औकात दिखा दी है, बहुत गलत तरीके से आपने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का ढंग होता है, एक तरीका होता है, अपना रोष प्रकट करने का तरीका होता है, लेकिन आप अपने ही भाई बंधु, ये रिपोर्टर जो होते हैं आप ही के भाई बंधु हैं, इसी देश के हैं, हमारे ये भारतीय हैं, कोई बाहर से नहीं आए, और आप अपने ही देश के ऊपर इस तरीके से मतलब क्या क्या कर रहे हैं, सामने पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो बस आपने ये देख लिया कि बहुत गलत तरीके से जो भी किया आपने, बहुत गलत तरीके से किया है। तो बाकी यही कहूँगा कि आपको पता नहीं ये आपने क्या प्रदर्शन में क्या दिखाया है, यही चीज़ है। बाकी तो भगवान जाने क्या है शिक्षा, क्या है दीक्षा।